हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस गौशिया आफरे। सो टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ एलसीएम, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए न्यू है। सो एलसीएम होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसका फुल फॉर्म लिखना होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो लीस्ट से आप लोगों को समझ आ रहा है कि छोटे नंबरों से स्टार्ट करना, ओके? तो एलसीएम निकालने का दो मेथड्स भी होता है। सबसे पहला मेथड्स होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। सो यहाँ पे जो है सबसे इजी अगर मेथड्स देखें तो उसको डिवीजन मेथड्स बोलते हैं। एंड यूजुअली हम लोग अगर कोई सम्स करते हैं तो डिवीजन मेथड्स के हिसाब से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर दे देते हैं जैसे 84। सो इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि 84 है, देन सबसे छोटे नंबर से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो 2 के टेबल में 84 आता है, तो क्या करोगे आप लोग, 2 से इसको लेके जाओगे, 2 4 8, 2 2 4, देन आप लोग क्या करोगे, देन एक और लाइन ड्रॉ करोगे, देन फिर ये 42 फिर 2 से जाएगा, देन 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2, देन अब देखो आप लोग 21, तो 21 2 के टेबल में तो नहीं आती है, फिर क्या करेंगे, सोचो सोचो क्या करेंगे, फिर ये 3 के टेबल में देखते आता है कि नहीं, तो फिर ये 3 के टेबल में जाता है, तो देन 3 7 21, देन आप 7 बच गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 एक ऑड नंबर होता है, तो 7 जो है खुद के टेबल में ही जाता है, तो 7 1 7। लास्ट में आप लोगों को देखना है कि आपका रिमाइंडर 1 होना चाहिए, ओके? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे नंबर्स आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 7, देन क्या होगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84, देन दिस इज योर आंसर, ओके? होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। थैंक यू।